चौदहवीं जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को बस स्टैंड रोड स्थित सीआरपीएफ कैंप से 30 छात्र छात्राओं की टीम को सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के अधिकारी कपिंग गिल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र की ओर से जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम किया जाता है। बताया गया कि इस बार तीसरे बैच का आयोजन हो रहा है, जिसमें चयनित 21 युवा एवं 9 युवतियां यूपी के लखनऊ शहर जाएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य को लेकर सीआरपीएफ 7th बटालियन के अधिकारी कपिंग गिल ने बताया कि विभिन्न विकास गतिविधियों, कौशल विकास, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में हो रही तकनीकी और औद्योगिक उन्नति को उजागर करना है। मुनि मुर्मू और बेहतर सिचुएशंस को देखें, उनको सीखें, जानें, समाज के प्रति, देश के प्रति। राजेश मुर्मू, इसके बाद सैमुअल मुर्मू, नाम बताते हैं, अमित कुमार हेमरम है, फिर मानवेल। आज के इस समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक, 14वीं जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो 2022-23 का है, किया जा रहा है, जिससे आप इस ट्राइबल बेल्ट के अलावा इसमें 21 मेल हैं सर और 9 फीमेल हैं सर। 14वीं जनजाति युवा आदान प्रदान के जो कार्यक्रम है, ये नेहरू युवा केंद्र और हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से ये किया जाता है और ये हमारा इस 3rd प्रोग्राम है। इससे पहले हम पुडुचेरी और गोवा में भेज चुके हैं, लखनऊ है। इसमें 21 लड़के और 9 लड़कियां, साथ साथ हमारे भी 2 लोग जा रहे हैं और एक महिला कांस्टेबल हमारी जो कि इनकी लुक आफ्टर करेंगी और लखनऊ जाएंगे और ये 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक प्रोग्राम है। इन बच्चों को मेन है, भारत सरकार के द्वारा एक टारगेट दिया गया है कि जो ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं वो बाहर जाएं, वहाँ के कल्चर को देखें, वहाँ एजुकेशन सिस्टम को देखें, वहाँ के डेवलपमेंट को देखें और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करें, अपने समाज को उन चीज़ों के बारे में बताएं कि हम में और जो अदर स्टेट्स हैं उनके कल्चर में, उनके डेवलपमेंट में कितना आता है, सो दैट ये अपना आके यहाँ पर बताएं। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए और मेन चीज़ है कि जो आज की डेट में जो युवा है भटक रहे हैं, हालांकि बहुत कर्टेल हो चुका है, रुका है भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा, तो उसको हम और रोकना चाहते हैं जो अनसोशल एक्टिविटीज़ हैं स्पेशली नक्सली बेल्ट के एरिया में, और ये बच्चे अच्छा करें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने एजुकेशन का ध्यान रखें। इनके साथ साथ लखनऊ जाएंगे, इनकी हमें इस यात्रा के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उसके बाद बच्चे आएंगे और फीडबैक ले लेंगे और आप सब लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो भी मीडिया है, प्रेस है, हमारे कर्मचारी है, युवा केंद्र के कर्मचारी हैं, सब लोग धन्यवाद के पात्र। थैंक यू। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूँ आप सबका 7 बटालियन सीआरपीएफ गिरिडीह में कि आप लोगों ने इस समारोह में शामिल होकर इसको कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पहले भी जो भी स्टूडेंट्स के बैच हैं भोपाल में, पुडुचेरी में हम भेज चुके हैं। ये हमारा 3rd बैच ये जो स्टूडेंट्स का है ये लखनऊ जा रहा है। लखनऊ बहुत संपन्न एक शहर है, कैपिटल है यूपी का, एंड मुझे उम्मीद है कि जो भी जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस एरिया से बाहर निकल के उनको नई चीज़ें देखने को मिलेगी कि इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टूर होगा सिर्फ रिक्रिएशनल पर्पस से ना होकर एजुकेशन भी उनको इससे हासिल हो और बहुत कुछ सीखने को मिले और अपनी जो यादें हैं वो आके दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर कर सकते हैं।